प्रदेश में लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में लगातार कोरोना पॉजिटिव सामने आते जा रहे हैं, जिनसे कोरोना पॉजिटिवों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूज रूम, जहां पर हमारे संवाददाता लोकेश ओला मौजूद है। जी लोकेश, क्या कुछ अपडेट है? दोपहर 2 बजे की रिपोर्ट आई है, हालांकि 9 बजे तक रिपोर्ट आई थी 47 पॉजिटिव आ चुके थे और 2 बजे की रिपोर्ट में 2 पॉजिटिव हो रहे हैं, कुल मिलाकर के 49 पॉजिटिव हो चुके हैं आज के दिन में। जी आशीष सर, 2 कोरोना पॉजिटिव कोटा में और सामने आए हैं और कोटा में आज 4 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं और कोटा की जो कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर अभी 118 हो चुकी है। आज पूरे प्रदेश में 49 कोरोना पॉजिटिव आए हैं और प्रदेश में कुल अब 1937 कोरोना पॉजिटिव अब तक सामने आ चुके हैं, जो एक बड़ा आंकड़ा कहा जा सकता है। जयपुर में आज 12 कोरोना पॉजिटिव सामने और वहाँ पर जयपुर की बात करें तो जयपुर में अब 737 कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं। आज सबसे अधिक जो कोरोना पॉजिटिव की संख्या जोधपुर में सामने आई है, जहां 20 कोरोना पॉजिटिव सुबह 9 बजे की रिपोर्ट में सामने आए थे और वहां पर भी अब 307 कोरोना पॉजिटिव सामने आ चुके हैं अब तक। तो जो जोधपुर भी है दूसरे स्थान पर कोरोना की संख्या में अपना जमाए हुए हैं। इसी तरह बात करें तो लगातार जिस तरह से कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ती जा रही है, तो उसमें एक राहत की खबर ये कही जा सकती है कि अब तक 344 कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट निगेटिव हो चुकी है, जो एक अच्छा जो आंकड़ा है वो कहा जा सकता है या अच्छी खबर कही जा सकती है। वहीं एक और जो राहत की खबर यह है कि अब तक जो मृत्यु दर की बात करें कोरोना से, तो कोरोना की मृत्यु दर में इंडिया में 3.18 की जो मृत्यु दर चल रही है, वहीं राजस्थान में 1.43 की मृत्यु दर है, यानी कि 1.43 जो राजस्थान है 15वें स्थान पर है मृत्यु दर में। तो ये अच्छी खबर कही जा सकती है कि कहीं ना कहीं राजस्थान में जो मृत्यु दर है वो कम है, जो कोरोना पॉजिटिव से जो मर रहे हैं उनकी संख्या काफ़ी कम नजर आ रही है। हालांकि 27 जो कोरोना पॉजिटिव की संख्या अब तक हो चुकी है, ऐसे में लगातार जिस तरह से कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, उसी में जो मुख्य रूप से जो सामने आ रहे हैं वो सैंपलिंग कलेक्शन के दौरान जो ज़्यादा से ज़्यादा जाँचें हो रही है उसी में कोरोना पॉजिटिव। जी बिल्कुल, चलिए तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। न्यूज रूम से सीधे जुड़े थे लाइव हमारे साथ हमारे संवाददाता लोकेश ओला, जिन्होंने लेटेस्ट अपडेट दी प्रदेश को लेकर के। रुक करें।